इंजन ऑयल सिलेक्ट करने में कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि बाइक का इंजन मॉडल, ड्राइविंग कंडीशन यानी कि आपकी बाइक किस तरह के रास्ते पे चल रही है और किस तरह के मौसम में चल रही है। मैन्युफैक्चरर ने लोकेशन के अनुसार इंजन ऑयल पहले से ही सिलेक्ट किया रहता है। पर क्या होगा यदि राजस्थान जैसे गर्मी में रहने वाली बाइक को शिमला में चलाया जाए? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, कैसे ऑयल को सिलेक्ट किया जाता है, क्या होती है ऑयल की ग्रेड और कैसे आप अपनी बाइक के लिए सही ऑयल चुनें। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से तरह के इंजन ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे सस्ती आती है मिनरल ऑयल। इस तरह की ऑयल उन लोगों के लिए है जो अपनी बाइक में जल्दी ऑयल चेंज करना पसंद करते हैं। इस तरह के ऑयल्स लोकल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और ये ऑयल लोडेड रहने वाली बाइक्स के लिए सुटेबल नहीं है। साथ ही साथ इस तरह के ऑयल्स में एडिटिव को नहीं मिलाया जाता है। एडिटिव्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि ऑयल की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। पर अब बेस ऑयल और एडिटिव में क्या फर्क है? बेस ऑयल खाली इंजन का लुब्रिकेशन ही कर सकती है। यदि आपके बाइक का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ऑयल जल्दी जल जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तब जंग लगना तो लाजमी है। साथ ही साथ टेम्परेचर के बढ़ जाने से ऑयल की विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। अगर विस्कोसिटी कुछ ज्यादा ही हद तक कम हो जाए तो ऑयल सीलेंट से लीक करना शुरू कर देगी। टेम्परेचर तभी बढ़ता है जब इंजन पार्ट्स में ज्यादा फ्रिक्शन हो। ऑयल एडिटिव इंजन चलते वक्त फ्रिक्शन से पैदा होने वाली हीट को भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है। इन सभी एडवांटेजेस के चलते मॉडर्न कार्स और बाइक्स में एडिटिव्स वाले इंजन ऑयल का ही उपयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक ऑयल। सेमी सिंथेटिक ऑयल में बेस ऑयल के लिए प्रीमियम मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है जिसमें एडिटिव्स को मिक्स किया जाता है। इस ऑयल से आपको वो सभी बेनिफिट्स मिलते हैं जो पीछे हमने वीडियो में देखे। हालांकि इस ऑयल को आप एक ही टेम्परेचर पे चला सकते हैं, मतलब राजस्थान में पाने वाली सेमी सिंथेटिक ऑयल को आप शिमला में बाइक चलाते वक्त उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते सिंथेटिक ऑयल्स का उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक ऑयल्स को लैब में डेवलप किया जाता है जो किसी भी टेम्परेचर में काम करने के लिए केमिकली इंजीनियर किए जाते हैं। कुछ तरह के सिंथेटिक ऑयल से तो माइलेज को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के ऑयल्स बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग रेंज जैसे कि 5000 से 6000 किलोमीटर तक इनका उपयोग किया जा सकता है। अब आपने ऑयल के डिब्बे पे ऐसा तो पढ़ा ही रहेगा, इसे कहते हैं ऑयल की ग्रेड। ये हमें बताती है कि ऑयल की विस्कोसिटी क्या है और कौन से टेम्परेचर पे इस ऑयल का उपयोग किया जा सकता है। आसानी के लिए हम इसे तीन हिस्से में बांटते हैं। ऑयल ग्रेड हमें ऑयल के विस्कोसिटी के बारे में बताती है। इसमें W का मतलब होता है विंटर। ΦW हमें बताता है कि 5 डिग्री सेल्सियस तक इस ऑयल की विस्कोसिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और 30 का मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर स्केल पे इस ऑयल की विस्कोसिटी 30 से ऊपर नहीं जाएगी। एग्जांपल के तौर पे कहिए कि आपकी बाइक को आपको कोल्ड स्टार्ट करनी पड़ी। ऐसे में अगर ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो ऑयल सही से ट्रेवल नहीं कर पाएगी, इसलिए 5 डिग्री सेल्सियस तक इस ऑयल की विस्कोसिटी कम ही रहेगी। जब बाइक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तब इस ऑयल की विस्कोसिटी 30 तक बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टेम्परेचर पे ऑयल इंजन के सभी हिस्सों तक पहुंच जाती है और यदि इसकी विस्कोसिटी कम रहती है तो ऑयल इंजन के सील से लीक करना शुरू करेगी। चलिए जानते हैं कि विस्कोसिटी को कैसे डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले तो ऑयल को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस हाई टेम्परेचर ऑयल को विस्कोमीटर से पास किया जाता है। विस्कोमीटर के अंदर ऑयल के ट्रेवल टाइम को नोट किया जाता है, जिसे कैलकुलेट करके विस्कोमीटर हमें रीडिंग देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।